हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, आज है मेरे नो स्किप रमजान का पहला रोजा। तो सबसे पहले सो कर उठता हूँ और जाता हूँ फ्रेश होने के लिए, फिर होता हूँ फ्रेश, फिर उसके बाद पढ़ता हूँ तहज्जुद की 8 रकात नमाज। तो तहज्जुद की नमाज मैंने पढ़ ली है और अब शहरी का वक्त हो चुका है, तो अभी चलते हैं शहरी करने। तो शहरी मैंने ले लिया है और यहाँ पर सोयाबीन आलू की सब्जी है और रोटी है, तो अभी इसको बैठ के जल्दी से खत्म करते हैं। फिर करता हूँ रोजे की नियत और निकल पड़ता हूँ फजर की नमाज पढ़ने, फिर पढ़ता हूँ फजर की 4 रकात नमाज। फजर की नमाज मैंने पढ़ ली है और अब मैं निकल गया हूँ टहलने के लिए अपने स्कूल की तरफ। 2 किलोमीटर की वॉकिंग के बाद मैं आ जाता हूँ अपने घर और फिर हो जाती है दोपहर। तो गाइस अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ चौराहा एक काम से, तो अगर शायद वहाँ पे लेट हो जाता है तो अपना नमाज वहीं पे पढ़ लेंगे जोहर की। तो अमन आ चुका है मुझे लेने के लिए और अब हम लोग जाएंगे इसके साथ चौराहा, वहाँ पे पढ़ेंगे नमाज। तो अभी फिलहाल चलते हैं। फरहान की बाइक और वो जा रहा है अपने घर पे। तो गाइस अब ये पल्सर अब मैं जा रहा हूँ चलाने, तो यहाँ पर पल्सर एनएस है, तो अब चलते हैं चौराहे पे और अभी जोहर का टाइम भी होने वाला है, तो अभी नमाज भी पढ़ेंगे। जोहर की अजान का वक्त हो चुका है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं जोहर की नमाज पढ़ने। तो अभी आए हैं जिसान के घर के पास और वो आता है तो साथ में सब चलते हैं। तो जिसान भाई रेडी हो चुके हैं नमाज पढ़ने के लिए। सर रेडी हैं? एकदम भाई, चला जाए। फिर पढ़ता हूँ जोहर की नमाज और करता हूँ एक पारा कुरान की तिलावत। तो बाइक पार्क कर दिए और अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा घूमते हैं, देखते हैं कहाँ क्या करना है। तो गाइज अभी हम लोगों ने खरीदा है मिसबाक और अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, अभी जाएंगे असर की नमाज पढ़ने। और पहली बात तो आप अपने थोड़े बात पे तकल्लुफ करिए, वो मिसबाक है, मिसबाक नहीं है, वही मिसबाक जो भी है। और अब हम लोग जाएंगे नमाज पढ़ने। अस्सलाम वालेकुम, आज है रमजान की पहली रोजा की दिन है, तो आज से हम लोग रोजा रखते हैं लोग, रमजान के रोजा रखते हैं लोग। और ये हम लोग का मस्जिद है, मस्जिद दिखा दो, ये हम लोग का मस्जिद है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं लोग नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ रहे हैं लोग। आगे आपको तीसरे दिन का खबर देते रहेंगे आपके लिए इतना। फिर करता हूँ वजू और पढ़ता हूँ असर की 8 रकात नमाज। तो गाइस अभी जस्ट हम लोग असर की नमाज पढ़कर आ रहे हैं और यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं। मिसवाक समय दो टुकड़ा किया है, एक इसको कर दिया है और एक मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे आया ने देखिए, इसको रोजा लग रहा है, बस कैमरा खुला है इसलिए ओपन हुआ है, तो अभी ये हंस रहा है बस। सर आप फूल किसके लिए तोड़ रहे हैं? तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर और अभी इफ्तार की तैयारी भी करनी है। आ चुका हूँ मैं अपने घर और पहन लिया मैंने कुर्ता और टोपी, तो अभी कुछ देर में इफ्तार का टाइम होने वाला है, तो अब चलते हैं और इफ्तार की तैयारी करते हैं। पढ़ता हूँ मैं रोजे की दुआ और करने बैठ जाता हूँ अफ्तारी। तो अफ्तारी मैंने कर लिया है और अब चलते हैं मगरिब की नमाज पढ़ने। इसमें मैं पढ़ता हूँ मगरिब की 7 रकात नमाज। मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं आ चुका हूँ अब अपने घर पे और आज का मेरा रोज़ा कंप्लीट हुआ और अब बस ईशा और तरावी की नमाज़ पढ़ना बाकी है। 1 घंटे बाद तो ईशा और तरावी की नमाज़ का वक्त हो चुका है और अजान अभी जस्ट होने वाली है, तो अब चलते हैं ईशा और तरावी की नमाज़ पढ़ने। तरावी की नमाज ख़त्म हो चुकी है और मैंने पूरा पढ़ लिया है और इन सब से मिले ये हैं मेरे गांव के मोहल्ले के कुछ दोस्त लोग, इनका नाम रेहान है और ये भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। और यहाँ पर ये सब हैं अमन, अर्जू, समीर और ये माहिन। तो अभी बस हम लोग जा रहे हैं अब घर, तरावी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो फाइनली आ चुका हूँ मैं अपने घर और आज के इस व्लॉग में बहुत मज़ा आया, रमज़ान का मेरा सबसे पहला व्लॉग बहुत अच्छा गया। तो अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, तो आप मिलेंगे गाइस जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। देखिए मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है और यहाँ पर ये बोरा उठा रहा है सब्जी का। निशान
بك خير الخلق كلهم.